रोज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देखिए आज की तमाम खबर। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा प्रहार किया है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली पहुंचने का उनका सपना टूट गया और मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। सीएम नीतीश कुमार के बार बार राबड़ी आवास जाने को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपने आप को लालू प्रसाद के सामने सरेंडर कर दिया है। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है जो ना पहाड़ पर चढ़ सकता है और ना ही उतर सकता है। प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब नीतीश कुमार तेजस्वी को अपना ताज हैंड ओवर कर देंगे और खुद संन्यास ले लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्थिति वैसे अर्धविक्षिप्त सी हो गई है जो न पहाड़ पर चढ़ सकता है न उतर सकता है। बीच पहाड़ पर खड़े ऊपर जाने की उनकी साहस समाप्त हो गई, नीचे उतरने से उनको गिरने का भय है। यही उहापोह की स्थिति उनकी बनी हुई है। जब से ललन सिंह जी का सुर बदला है तब से वो और भी भयाक्रांत है। ये वही ललन सिंह है जिन्होंने लालू प्रसाद जी के खिलाफ पुख्ता दस्तावेज देकर के उनके खिलाफ जांच कराई। नीतीश कुमार जी का बार बार लालू के दरबार में चरण वंदन करने जाने का एकमात्र मजबूरी यही है और वो दिन दूर नहीं जब नीतीश कुमार जी अपना ताज तेजस्वी जी के हैंडओवर करेंगे और खुद संन्यास लेंगे, क्योंकि उनसे दिल्ली दूर हो चुकी और मुंगेर डर के सपने उनकी चूर हो चुकी। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।